नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हरफन मौला यात्री पर। अभी मैं हूं दोस्तों उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक विष्णु प्रयाग के ऊपर, जहां पर हो रहा है धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम। दोस्तों इस वीडियो में मैं यात्रा करने वाला हूं विष्णु प्रयाग से बद्रीनाथ धाम तक, जिसका डिस्टेंस है लगभग 35 से 40 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। हम जो है विष्णु प्रयाग के सुंदर दृश्यों को दिखाने के बाद निकल चुके हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ। शाम का टाइम है दोस्तों, देखते हैं कहां तक हम डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को मैंने आज से लगभग 20-22 दिन पहले शूट किया था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाने की वजह से वीडियो एडिट नहीं कर पाया था। तो इसलिए वीडियो को एडिट करके इस टाइम मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, और इस वक्त मानसून का टाइम है दोस्तों, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ वीडियो बहुत ही सुंदर शूट हुई थी दोस्तों, आप आगे देखेंगे भी। टोटल विष्णु प्रयाग से बद्रीनाथ धाम तक की यात्रा करने वाला हूँ दोस्तों, ट्रेवल वीडियो है कंप्लीट। सुंदर पहाड़ों के नज़ारे दिखेंगे, सुंदर नदियों के नज़ारे दिखेंगे, सुंदर झरनों के नज़ारे दिखेंगे, उत्तराखंड की खूबसूरती कि आप जो है दोस्तों कह सकते हैं कायल हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी अभी मैंने जो है अपनी जो यात्रा है वह शुरू किया है विष्णु प्रयाग से। विष्णु प्रयाग जो कि पहला प्रयाग है पंच प्रयाग में, सबसे पहला प्रयाग, सर्वप्रथम प्रयाग विष्णु प्रयाग ही कहलाता है दोस्तों, जहां पर दो पवित्र नदियों का, दो गंगा के दो दिव्य स्वरूपों का संगम होता है। एक धौली गंगा नदी है और दूसरी नदी है दोस्तों अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी दोस्तों हमारे लेफ्ट हैंड साइड में प्रवाहित भी हो रही है। हम जो है बद्रीनाथ धाम तक अलकनंदा नदी को फॉलो करते हुए चलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि इस पूरी यात्रा में अलकनंदा नदी हमारा साथ देती हुई नज़र आएगी। रास्ते बेहद खूबसूरत हैं, आप देख भी सकते हैं दोस्तों, सुंदर पहाड़ियाँ हैं और रास्ते पहाड़ों के घुमावदार रास्ते मुझे बेहद पसंद हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे पहले दोस्तों मैं ऋषिकेश टू देवप्रयाग का ट्रेवल वीडियो बनाया है, और जिसमें मैंने कंप्लीट 70 किलोमीटर की जर्नी को दिखाया है। इसके बाद देवप्रयाग संगम को एक्सप्लोर किया है दोस्तों, देवप्रयाग संगम जहां पर होता है भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम। पंच प्रयाग में जो सबसे अंतिम प्रयाग है, जो पांचवां प्रयाग है, वह देवप्रयाग संगम है दोस्तों। जी हाँ, तो देवप्रयाग संगम को एक्सप्लोर करने के बाद मैं जो है दोस्तों रुद्रप्रयाग की तरफ आया। तो देवप्रयाग टू रुद्रप्रयाग की भी ट्रेवल जर्नी को मैंने कंप्लीट कवर किया है। देवप्रयाग टू रुद्रप्रयाग का जो डिस्टेंस है वह लगभग 60 किलोमीटर का है, उसको भी मैंने कवर करके वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है दोस्तों। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने रुद्रप्रयाग को भी एक्सप्लोर किया है, जहाँ पर दो पवित्र नदियों का संगम होता है, अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है दोस्तों। जी हाँ, मंदाकिनी नदी जो कि केदारनाथ धाम से आती है, और अलकनंदा नदी जिसको फॉलो करते हुए हम जा रहे हैं, जो कि बद्रीनाथ धाम से लगभग 8-10 किलोमीटर ऊपर ग्लेशियर्स हैं वहाँ से निकल करके आती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैंने रुद्रप्रयाग टू कर्णप्रयाग का भी ट्रेवल वीडियो शूट किया है, बनाया है, उसको भी चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप देख सकते हैं। कर्णप्रयाग जो कि दोस्तों जहां पर होता है दो पवित्र नदियों का संगम, अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है दोस्तों कर्णप्रयाग में। तो कर्णप्रयाग को भी एक्सप्लोर किया है, और साथ ही साथ रुद्रप्रयाग टू कर्णप्रयाग का ट्रेवल वीडियो भी शूट करके चैनल पर अपलोड किया है, जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों फिर मैंने जो है अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए नंदप्रयाग तक आया, जिसमें मैंने कर्णप्रयाग टू नंदप्रयाग की ट्रेवल वीडियो को शूट करके चैनल पर अपलोड किया है, जाकर के आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने नंदप्रयाग को स्पेशली अलग वीडियो के माध्यम से एक्सप्लोर किया हुआ है।
नंद प्रयाग में दोस्तों दो पवित्र नदियों का संगम होता है, अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। जी हाँ दोस्तों, उस संगम को एक्सप्लोर करने के बाद दोस्तों हम आ गए थे विष्णु प्रयाग। तो इस दौरान मैंने नंद प्रयाग टू विष्णु प्रयाग का भी ट्रेवल वीडियो शूट किया है, कंप्लीट एक्सप्लोर किया है दोस्तों। उसको भी मैंने जो है वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इसके विष्णु प्रयाग जब मैं आ गया तो अभी अभी विष्णु प्रयाग के दृश्यों को भी दिखाया इस वीडियो में। विष्णु प्रयाग से ही जर्नी को मैंने आगे बढ़ाते हुए मैं जा रहा हूँ दोस्तों बद्रीनाथ धाम, जहाँ पे मैं बद्रीनाथ टेम्पल के दर्शन कराऊंगा, भगवान बद्रीनाथ के यानी कि भगवान विष्णु के आपको दर्शन कराने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, चैनल को भी कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो स्किप मत करिएगा और मेरी वीडियो को आप जो है घर पे बैठ करके आराम से भोजन करते हुए, नाश्ता करते हुए, इंजॉय करते हुए जो है दोस्तों वीडियो को आनंद ले सकते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ियों को इंजॉय कर सकते हैं, उत्तराखंड की पहाड़ियों की खूबसूरती, उत्तराखंड की पहाड़ियों की सुंदरता को अगर आप देखना चाहते हैं, कंप्लीट इंजॉय करना चाहते हैं घर बैठे हुए दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ का कंप्लीट जो है शूट मिलता है, कंप्लीट जो है मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करता हूँ दोस्तों। अगर आप प्रकृति प्रेमी होंगे दोस्तों तो ज़रूर आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि जो मेरी वीडियोज़ होती हैं जनरली प्रकृति प्रेमी होती हैं, प्रकृति की गोद में मुझे रहना पसंद है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ हर एक व्यक्ति को प्रकृति में रहना पसंद होगा, क्योंकि रियल में देखा जाए तो दोस्तों प्रकृति से हम हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बिना प्रकृति की गोद में बैठे हमारा जीवन जो है नहीं चल सकता। दोस्तों जो हमारी जर्नी है वह लगभग 35 से 40 किलोमीटर की जर्नी है विष्णु प्रयाग टू बद्रीनाथ धाम तक की। तो इस दौरान बीच में दोस्तों गोविंद घाट भी पड़ा था, और इसके अलावा दोस्तों एक और मार्केट पड़ा था रास्ते में, नाम नहीं याद आ रहा है। वहाँ पे हम जो है शाम के टाइम में स्टे भी किए थे, क्योंकि जब हम विष्णु प्रयाग से निकले थे तो उस टाइम लगभग शाम के 6 बज गए थे। तो एक घंटे के अंदर जो है मैं लगभग जो वहाँ पे गोविंद घाट पड़ता है दोस्तों बीच में, लगभग विष्णु प्रयाग से 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद गोविंद घाट पड़ता है, और उसके अलावा गोविंद घाट से 3 किलोमीटर आगे और आने पर दोस्तों एक और मार्केट पड़ती है, वहाँ पे मैं स्टे किया हुआ था। और सुबह के टाइम मैं निकला, जैसा कि आप देख भी सकते हैं अभी सुबह हो चुकी है दोस्तों, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जो है इस टाइम यही कोई 9 बज रहे होंगे, मैं निकल पड़ा हूँ बद्रीनाथ धाम के लिए। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ये वीडियो लगभग 25 दिन पहले शूट हुई थी, लेकिन जो है अपलोड मानसून के टाइम में हो रही है, लगभग ये हो यही कोई मिड अगस्त का टाइम चल रहा है, इस टाइम अपलोड हो रही होगी वीडियो, और जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको देखने में अटपटा लग रहा होगा कि वीडियो लेटेस्ट की तो नहीं है। बताया जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि एडिटिंग नहीं हो पाने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, टाइम नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से जो है वीडियो को थोड़ा सा डिले अपलोड करना पड़ रहा है। लेकिन मानसून के टाइम में दोस्तों एक बार मैं फिर से कोशिश करूंगा मानसून के टाइम में पंचप्रयाग का टूर करूं एक बार पुनः। पंचप्रयाग के टाइम में होता क्या है दोस्तों कि नदियां जो होती हैं बिल्कुल उफान पर होता है, नदियों का जल एकदम उफान पर होता है, और क्योंकि दोस्तों पहाड़ों में लगातार बारिश होती है मानसून के टाइम में, जिसकी वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी तो दोस्तों जलस्तर बढ़ा नहीं है, और जब जलस्तर नहीं बढ़ा होता है दोस्तों तो इस टाइम जो संगम होते हैं पंचप्रयाग संगम, जहां पर दो नदियों का संगम होता है, वहां पे दोनों नदियों का अलग अलग कलर डिफरेंस आप आसानी से कर पाते हैं। जैसा कि दोस्तों
देवप्रयाग संगम में एक नदी का जो जल था वो हरे रंग का था, दूसरे नदी का जल जो है मटमैले रंग का था, मतलब मडी कलर का था। और ठीक उसी प्रकार जो है रुद्रप्रयाग में दोस्तों एक नदी का रंग जो था वह हरे रंग का, नीले रंग का था, और दूसरी नदी का जो जल का रंग था वह दोस्तों बलुआ कलर का था। और इसके बाद दोस्तों जब हम कर्णप्रयाग पहुँचे तो ठीक उसी प्रकार का दृश्य देखने को मिला, ठीक उसी प्रकार का दृश्य नंदप्रयाग में भी देखने को मिला दोस्तों, और विष्णुप्रयाग में भी देखने को सेम वही मिला जिसको मैं जस्ट अभी अभी दिखाया आपको। दोस्तों उत्तराखंड में आ चुका हूँ, उत्तराखंड के टूरिज़्म को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और आज से ठीक एक साल पहले उत्तराखंड आया हुआ था, तो दोस्तों उस टाइम मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाया था क्योंकि मानसून के टाइम में आया हुआ था। उस टाइम अगस्त लास्ट के टाइम में आया हुआ था दोस्तों पिछली साल, तो उस टाइम मैंने जो है ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग और देहरादून को ही एक्सप्लोर करके वापस चला गया था। मानसून की वजह से दोस्तों लगातार बारिश हो रही थी जिस वजह से मैं ट्रेवल ज़्यादा नहीं कर पाया था, लेकिन एक बार फिर से इस साल जो है ठीक एक साल बाद पुनः मौका मिला है मुझे दोस्तों, पुनः अवसर मिला, उत्तराखंड आया दोस्तों। और सबसे पहले मैं अपनी जर्नी को वहाँ से स्टार्ट किया जहाँ से मैंने जर्नी को पिछले साल ख़त्म किया था, यानी जहाँ पर मैंने अपनी जर्नी को छोड़ा था, तो देवप्रयाग। लेकिन दोस्तों मैंने सबसे पहले ऋषिकेश से स्टार्ट किया, ऋषिकेश टू देवप्रयाग की ट्रेवल जर्नी बनाने के बाद पंचप्रयाग को कवर करते हुए दोस्तों मैं बद्रीनाथ धाम जा रहा हूँ। ऐसी वीडियो आपने कभी नहीं देखी होगी दोस्तों जिसमें मैंने टोटल ऋषिकेश टू बद्रीनाथ धाम तक का ट्रेवल वीडियो कंप्लीट कवर किया हुआ है। 5-6 मिनट में वीडियो को नहीं कवर किया दोस्तों, बल्कि हर एक वीडियो लगभग आधे घंटे की बनी है। तो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं दोस्तों तो जाकर के आप इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे पहाड़ी सुंदरता, उत्तराखंड की पहाड़ी सुंदरता अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर आप जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखें। ये देखें, यहाँ के रास्ते देखें, पहाड़ों को किस तरह से कट किया गया है। पहाड़ बिल्कुल ऊपर झुके हुए हैं दोस्तों, रास्ते खतरनाक हैं लेकिन बेहद सुंदर हैं दोस्तों। मानसून के टाइम में यही रास्ते जो है ना इतने खतरनाक साबित हो जाते हैं क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड होने लगती है, जगह जगह पत्थर जो है, जो पर्वत है वह धंसने लगता है। और अभी तो मानसून का टाइम भी चल रहा है दोस्तों, और आप जो है न्यूज़ भी सुन रहे होंगे कि केदारनाथ धाम में लैंडस्लाइड, अभी लेटेस्ट में लैंडस्लाइड हुई केदारनाथ धाम में, जहाँ पर लगभग 20 लोगों की मौत हुई है ऐसा सुनने में मिला। तो मानसून के टाइम में दोस्तों जो चार धाम यात्रा है उत्तराखंड की उसे रोक दिया जाता है लगभग। ये देखें, यहाँ पे भी देखें जो पर्वत है ना, चट्टानी पर्वत एकदम झुका हुआ है, ये देख रहे हैं दोस्तों, यही सुंदरता है उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों की दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये रास्ते बेहद खूबसूरत हैं लेकिन इनकी खूबसूरती में जो है ना दोस्तों एक कह सकते हैं रिस्क भी छुपा हुआ है। ये बेहद खतरनाक भी हैं, बेहद सुंदर होने के साथ साथ बेहद खतरनाक रास्ते भी हैं उत्तराखंड के। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह जर्नी आपको कैसी लग रही है। हमारे बगल में अलकनंदा नदी का सुंदर दृश्य आप देख सकते हैं। अभी तो मानसून का टाइम है जब वीडियो को अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, जब वीडियो शूट किया था तो उस टाइम मानसून नहीं आया हुआ था उत्तराखंड में। लगभग जुलाई में वीडियो को शूट किया था दोस्तों, जुलाई फर्स्ट वीक में, और अभी लगभग एक महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो वीडियो को अपलोड अब कर रहा हूं दोस्तों। दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं पंचप्रयाग को कवर करते हुए, यानी कि हम ऋषिकेश से अपनी जर्नी को स्टार्ट किए थे, वैसे वैसे हमारी जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है पहाड़ों पर। और विष्णुप्रयाग पंचप्रयाग में सबसे ऊंचा प्रयाग है दोस्तों, सबसे ज़्यादा हाइट पर बसा हुआ प्रयाग है, सबसे ज़्यादा हाइट पर स्थित प्रयाग है विष्णुप्रयाग, और सबसे कम हाइट पर जो प्रयाग है वह है देवप्रयाग संगम।
और इसके ऊपर हम जा रहे हैं, विष्णु प्रयाग से भी ऊपर जा रहे हैं। यानी डिस्टेंस तो कवर कर रहे हैं, डिस्टेंस के साथ साथ हाइट भी कवर कर रहे हैं दोस्तों, हाइट भी बढ़ रही है। यानी बद्रीनाथ धाम जो है विष्णु प्रयाग के कंपैरिजन में अधिक हाइट पर है दोस्तों। और विष्णु प्रयाग में दोस्तों ठंड हमेशा रहती है, विष्णु प्रयाग में ठंड हमेशा रहती है। विष्णु प्रयाग के अलावा अगर हम बात करें जहाँ हम जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम, चार धाम में एक धाम बद्रीनाथ धाम है दोस्तों, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। और वहाँ पे तो हमेशा सर्दी होती है, बद्रीनाथ धाम में सर्दी हमेशा होती है दोस्तों, वहाँ का मौसम हमेशा ठंडा होता है। आप किसी भी टाइम जाइए बद्रीनाथ धाम तो गर्म कपड़ों के साथ जाइए दोस्तों। बाकी वहाँ पे स्टे करने की, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है वहाँ पे, होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, आश्रम सब कुछ उपलब्ध है दोस्तों। और वहाँ पे लंगर भी चलते रहते हैं। तो लेकिन स्टे करने के लिए आपको भाई कम से कम 400-500 रुपये का बजट पर नाइट का बना के जाना पड़ेगा। जो आश्रम धर्मशाला है वहाँ पे आपको सस्ते में रूम मिल जाएंगे स्टे करने के लिए, 400-500 पर नाइट में मिल जाएंगे। और एसी नॉन एसी की बात ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे तो मौसम हमेशा ठंडा रहता है, हमेशा वहाँ मतलब 12 महीने में किसी भी टाइम वहाँ पे जो है बर्फ़बारी होती है। जी हाँ दोस्तों, जून, जुलाई, अगस्त जो गर्म मौसम होते हैं उस टाइम भी वहाँ पे बर्फ़बारी, बारिश का माहौल बना रहता है दोस्तों। तो वहाँ पे एसी वगैरह का तो कोई वही नहीं है, क्योंकि ठंड का मौसम होता है तो क्या होगा एसी। तो नॉर्मल रूम मिलते हैं वहाँ पे, नॉन एसी रूम, जो कि आपको इजीली 400-500 में आसानी से मिल जाएंगे अगर आप धर्मशाला या फिर आश्रम का रुक करेंगे तब। होटल रेस्टोरेंट में जो है 1000 रुपये तक ले लेते हैं, 1500-2000। लेकिन आप आश्रम धर्मशाला में जाएंगे तो आपको कम पैसे में 400-500 में जो है रूम वगैरह मिल जाएंगे दोस्तों। और बद्रीनाथ धाम में लंगर चलते रहते हैं तो खाने वाने का टेंशन तो नहीं है, वहाँ पे आसानी से जो है आप फ्री में खाना खा सकते हैं। बाकी पंचप्रयाग का टूर करते हुए मैं आज जा रहा हूँ दोस्तों बद्रीनाथ। तो पूरे रास्ते में मैंने देखा कि जो पंजाबी भाई लोग हैं वह लंगर चलाते हैं, लंगर लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो सिख समुदाय के लोग हैं, सिख धर्म के लोग हैं, उनका एक बेहद पवित्र धार्मिक स्थल है दोस्तों उत्तराखंड में ही, जिसका नाम है गोविंद घाट से, उसका नाम ध्यान आ नहीं रहा दोस्तों, गोविंद घाट से जो है, गोविंद घाट के पास में है वह स्थान। और वहाँ पे गुरुद्वारा भी बना हुआ है। तो वहाँ पे जो भी सिख धर्म के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, वह आते हैं दोस्तों, यात्रा करते हैं अपने धार्मिक स्थल की। इस दौरान दोस्तों रास्ते में, पूरे रास्ते में जो है सिख समुदाय के लोग, पंजाबी भाई लोग जो हैं वो दोस्तों लंगर लगाए रहते हैं रास्ते रास्ते में। तो आप पूरे रास्ते में जो है फ्री लंगर का आनंद लेते हुए जो है दोस्तों उत्तराखंड का टूर कर सकते हैं, पंचप्रयाग का टूर कर सकते हैं, चार धाम यात्रा का टूर कर सकते हैं दोस्तों। तो खाने पीने रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगा, मानसून के टाइम में आप आना अवॉइड करें चार धाम यात्रा, क्योंकि मैंने बताया कि जो प्राकृतिक सुंदरता है या जो रोड हैं, जो पर्वत आपको दिख रहे हैं सुंदर सुंदर, यही पर्वत जो है, यही पहाड़ दोस्तों मानसून के टाइम में खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड जो है मानसून के टाइम में बिल्कुल कॉमन बात हो जाती है, आम बात हो जाती है दोस्तों, किसी भी टाइम कहीं पर भी लैंडस्लाइड हो सकती है। लेकिन दोस्तों ये जो रास्ते हैं ना बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, देखें कटिंग की गई किस तरह से, पर्वतों की कटिंग की गई, चट्टानों की कटिंग की गई है, जैसे लग रहा है कि चट्टान बिल्कुल ऊपर जो है हमारे लटके हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। सामने देखें एक छोटा सा वाटरफॉल गिर रहा है दोस्तों, झरना, और उस झरने के पास में दोस्तों एक अलग प्रजाति का हिरन भी है। उस हिरन को कैमरे में तो मैं नहीं कैद कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूरी पर है, लेकिन वहाँ पे मैंने खुद देखा एक अलग टाइप का हिरन, वो बार्किंग डियर टाइप था दोस्तों, जो छोटे साइज के होते हैं, बार्किंग डियर जिसे कह सकते हैं, उसी के आकार के हिरन थे दोस्तों। और मुझे जान करके, देख करके बड़ी हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ कि यह इतने ज़्यादा स्लिपरी चट्टानी पर्वत पर कैसे चलते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने देखा अपनी आँखों से, बड़े ही तेज़ी से जो है
खड़ी पहाड़ियों पर बहुत तेज़ी से चढ़ रहे थे, उतर रहे थे दोस्तों। प्रकृति ने उनको ऐसे ही परिवेश में रहने के लिए बनाया है दोस्तों। बद्रीनाथ धाम में दोस्तों जब हम पहुंचेंगे तो वहां पे हमें बर्फीली पहाड़ियों के सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में, केदारनाथ धाम में बर्फ़ 12 महीने पड़ती है दोस्तों। सामने देखें, बिल्कुल सामने बर्फीली पहाड़ी, सफ़ेद रंग की बर्फीली पहाड़ी आपको दिख रही होगी। जो सामने ऊंचा पर्वत है उसकी चोटी पर आप देख सकते हैं सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ पड़ी हुई है। बता देना चाहता हूं दोस्तों कि बद्रीनाथ धाम पहुंचने के बाद हम जो है आगे जो है हमारी जो जर्नी है वह उससे भी आगे चली जाएगी। 4 से 5 किलोमीटर आगे एक माना गांव है जिसे पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अभी जल्दी में ही भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे भारत का प्रथम गाँव का दर्जा दे दिया। जी हाँ, जिसका नाम है माना, हिंदी में उसे माड़ा बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, माड़ा गाँव, अंग्रेजी में माना बोलते हैं, MANA। तो माना गांव भी चलेंगे। माना गांव भी दोस्तों पर्यटन के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान है उत्तराखंड का, क्योंकि वहां पर सरस्वती नदी का उद्गम होता है। सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का वहीं पर जो है दोस्तों संगम भी होता है, और उसी स्थान पर दोस्तों महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है जिसके अंदर उन्होंने वेदों का संकलन किया था और जो भारत का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद उसकी रचना भी की थी। इसके अलावा अन्य वेदों की भी उन्होंने रचना की थी दोस्तों, महर्षि वेद व्यास जी ने अन्य धार्मिक ग्रंथों का भी रचना किया है दोस्तों उसी गुफा के अंदर बैठ करके। तो उस गुफा के भी दर्शन कराएंगे, गणेश गुफा भी है, और साथ ही साथ दोस्तों माना गाँव से लगभग 4 किलोमीटर की पैदल ट्रैकिंग पर वसुधारा वाटरफॉल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह पवित्र झरना पापी व्यक्ति पर नहीं गिरता है, यानी कह सकते हैं जिसके आचरण बुरे होते हैं उस पर वो उस झरने की बूंदें, जल की बूंदें नहीं गिरती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही आचरण का जो व्यक्ति होता है उसके ऊपर वह वसुधारा जो झरना है उसकी जल की बूंदें गिरती हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम। जैसा कि आप देख सकते हैं सुंदर सुंदर बर्फीली पहाड़ियों के नज़ारे, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आने के लिए हेलीकॉप्टर की भी सुविधा होती है, जिसका जैसे कि मैंने अभी पहले आपको अभी जस्ट दिखाया कि यहाँ पे हेलीपैड भी बना हुआ है, यहाँ पे आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं और बाकी बाय रोड तो आ ही सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूरी फैसिलिटी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि जानते हैं हम सभी दोस्तों, ये आप देखें बद्रीनाथ धाम मंदिर के दर्शन करें आप यहीं से, सुंदर दृश्य सुंदर दर्शन हो रहे हैं आपको बद्रीनाथ मंदिर के दोस्तों। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं बद्रीनाथ धाम को कंप्लीट एक्सप्लोर नहीं करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।